बरहेट प्रखंड कार्यालय में बुधवार को केंद्रीय सचिव सह विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के द्वारा झारखंड सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सर्वप्रथम बाल विकास परियोजना कार्यालय में गोद भराई एवं अन्य प्राशन के साथ पोषण माह की रस्म अदा की गई। साथ ही प्रखंड कार्यालय के सभागार में फूलो झानो योजना के तहत 2 लाभुकों को JSLPS के तहत 10,000 रुपए की राशि दी गई। इस मौके पर बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने कहा कि फूलो झानो योजना के तहत लोग लोन लेकर अपने आजीविका को पूर्ण रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही पंचायत सचिव रोजगार सेवक को पंचायत स्तर पर गांव-गांव जाकर समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया। वहीं विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने कार्यक्रम में उपस्थित न होने वाले पंचायत सेवक से स्पष्टीकरण मांगा और संतुष्ट न होने पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। हम लोगों ने अनुमंडल पदाधिकारी श्री हेमंत सती जी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सांसद प्रतिनिधि राजा राम मरांडी, हमारे प्रखंड अध्यक्ष सचिव की उपस्थिति में सबसे पहले आज हम लोगों ने समाज कल्याण विभाग के द्वारा गोद भराई का रस्म अदा किया और इसके बाद बच्चे के मुँह जुट्ठी कार्यक्रम हम लोग किए। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे युवा मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा एक संकल्प लिया गया है कि हम जितने भी लोग हड़िया दारू बेच रहे हैं उसको मुख्य धारा में जोड़ने का हम काम करेंगे। और जिसके चलते उन्होंने एक फूलो झानो योजना को लॉन्च किया है। उस योजना के तहत आज हम लोगों ने यहाँ पर 2 व्यक्तियों को रोजगार करने के लिए राशि भी हम लोगों ने देने का काम किया। इसके बाद हम 2200 पंचायत के पंचायत अध्यक्ष सचिव को के साथ पदाधिकारियों के साथ बैठक कर हमने ये दिशा निर्देश उनको देने का काम किया कि आप लोग सप्ताह में 2 दिन बृहस्पतिवार और शनिवार को अपने अपने पंचायत मुख्यालय में उपस्थित रहे 10:30 बजे से लेके 5 बजे तक, ताकि पंचायत में ग्रामीण स्तर पर जो जनता की समस्या हो वो पंचायत में आकर लोग पंचायत सेवक को बताए, ग्रामीण को गांव से चलकर प्रखंड मुख्यालय तक नहीं आना पड़े और अपने पंचायत मुख्यालय में ही उस समस्या का समाधान उनकी हो जाए। इसकी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि सभी पंचायत सेवक हरेक बृहस्पतिवार शनिवार को पंचायत मुख्यालय में रहे और अपना रात्रि विश्राम भी पंचायत मुख्यालय में ही करें। और उस दिन प्रधानों को भी वो लोग बुलाकर पंचायत मुख्यालय में बैठाएं ताकि जनता की समस्या का समाधान तुरंत हो सके। आपको बता दें कि बैठक में प्रखंड के 22 पंचायत के पंचायत सेवक, जन सेवक, रोजगार सेवक शामिल हुए, जिसमें सभी कर्मियों को अपने अपने पंचायत में सप्ताह में 2 दिन उपस्थित रहने को कहा गया ताकि सुदूरवर्ती गांवों के लोगों को प्रखंड कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी हेमंत सती, प्रखंड विकास पदाधिकारी सोमनाथ बनर्जी, JSLPS के BPM रंजीत मिश्रा, राजमहल लोकसभा के सांसद प्रतिनिधि संजीव समूह हेम्ब्रम सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सेविका शामिल रहे। नागराज साह, न्यूज लाइव, बरहेट।